हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूजी जी सिक्स सेमिस्टर जनरल इंग्लिश के हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा तो सबसे पहले हम सिलेबस पर नज़र डालेंगे जो यू जी सिक्स सेमिस्टर जनरल इंग्लिश का है तो सिलेबस पर हम नज़र क्यों डालेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो है क्वेश्चन पेपर को फॉर्मेट किया गया है तो इसलिए सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे डियर स्टूडेंट्स ये रहा सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस जो कि इंग्लिश का है प्रिस्क्राइबड फॉर बी ए बी कॉम बी एस सी बी एस सी होम साइंस एंड बी एस सी आई टी जनरल आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम जनरल प्रोग्राम यानी ये हर स्ट्रीम के लिए एक ही सिलेबस है तो इसमें जो है दो क्रेडिट्स हैं आपके एफेक्टिव फॉर एक्डेमिकेशन टू 2018 जी हाँ दोस्तों 2018 बैच के लिए ये सिलेबस है तो इसमें पहला यूनिट जो यहाँ पर है वो है राइटिंग स्किल्स राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले एडवर्टीजमेंट उसके बाद ई उसके बाद ऐसे राइटिंग और दूसरा यूनिट जो यहाँ पर है वो है प्रोज सेक्शन अमृत्या सेन हाउ टू जज ग्लोबलिज्म तो दूसरा टॉपिक यहाँ पर है मार्टिन ल्यूथर किंग आई हैव ए ड्रीम तो ये रहा आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे सबसे पहला सेक्शन जो होगा इस एम सी क्यू टाइप के क्वेश्चन में तो वो होगा अमृत सेन पे अमृत सेन पे कुछ एम सी क्यू टाइप के क्वेश्चन है हाउ टू जज ग्लोबलिज्म उसके बाद मार्टिन ल्यूथर किंग आई हैव अ ड्रीम और इसी तरह से स्टेप बाई स्टेप जो है क्वेश्चन का यू नो सेक्शंस बनाए गए हैं इस पेपर में तो लिहाजा हम इसीलिए हमने ये सबसे पहले सिलेबस देखा है तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो यहां पर पूछा गया है एट ऑप्शन ए कनिकनगंज ऑप्शन बी ऑप्शन सी महाराजा गंज ऑप्शन डी नन ऑफ द एबू तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है नन ऑफ द एबू अमृत बॉर्न इन थर्ड नवंबर 1933 जी हाँ दोस्तों थर्ड नवंबर 1933 में वो पैदा हुए थे थर्ड नवंबर 1933 सेंटिनिकटन जी हाँ सेंटिनिकटन में वो पैदा हुए थे थर्ड नवंबर 1933 तो ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नाउ द क्वेश्चन नंबर टू द एनसेस्टरल होम ऑफ अमृत सिंह इज इन ऑप्शन ए वारी ऑप्शन बी गांधीनगर ऑप्शन सी शिमला ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए वारी तो वारी जो है वो यू you नो know, बांग्लादेश में एक जगह है ओल्ड ढाका में तो ढाका जो है वो है बांग्लादेश की कैपिटल सिटी नाउ द क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज द नेम ऑफ अमृतिया सेनस फादर सेनस फादर का नाम क्या था ऑप्शन ऑप्शन ए जो यहां पर है अभिषेक सेन ऑप्शन बी रघु राम सेन ऑप्शन सी आशुतोष सेन ऑप्शन डी नैन ऑफ राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी आशुतोष सेन पेशे से जो वो अशुत आशुतोष सेन है वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे जी हाँ वो केमिस्ट्री के टीचर है अमृत्य सेन के फादर आशुतोष सेन जो है वो केमिस्ट्री के टीचर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज द नेम ऑफ अमृत्या सेन मदर अमृत्या सेन जो है उसकी माँ का क्या नाम था ऑप्शन ए सुष्मिता सेन ऑप्शन बी अमिता सेन ऑप्शन सी फरीद सेन ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए ऑप्शन बी अमिता सेन जी हाँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अमिता सेन क्वेश्चन नंबर फाइव द वर्ड एकेडमिक टू अमृत सेन मीनज अमृत्या सेन ने एकेडमिक वर्ड यूज़ किया है हाउ टू जज ग्लोबलिज्म में उससे क्या मुराद है आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए साउंड ऑप्शन बी एजुकेटिव ऑप्शन डी नन ऑफ द एबोट इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए साउंड जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए साउंड एकेडेमिक का मतलब होता है साउंड अकॉर्डिंग टू दमरे नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत रिटर्न टू हारवर्ड इन आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए टू थाउजेंट थ्री ऑप्शन बी टू थाउजेंड फोर ऑप्शन सी टू थाउजेंट फाइव ऑप्शन डी टू थाउजेंड सिक्स तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी टू थाउजेंट फोर नाउ द क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज फेमस वर्क ऑफ अमेरित सेन ऑप्शन ए ग्रोथ इकोनॉमिक्स ऑप्शन बी द आइडिया ऑफ जस्टिस ऑप्शन सी द एल्यूजन ऑफ डेस्टनी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो डियर स्टूडेंट्स पेपर एनालिसिस का यही मकसद होता है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें गौर से देखें यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन पर देखोगे तो पूछा गया है इनमें से कौन सी बुक कौन सी इम्पोर्टेंट वर्क है अमृत सेन की हो सकता है इनमें से एक ही ऑप्शन में दिया गया हो आपके फाइनल एग्जाम में तो इन तीनों को आप यहां पर याद रखिएगा दिमाग में लिख कर रखो मतलब अच्छी तरह से याद रखो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर एट हु गेव द नेम टू अमृत सेन विच मीनस इमोर्टल तो आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन बी महात्मा गांधी ऑप्शन सी अशुतोष सेन ऑप्शन डी नन ऑफ तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रामिंदर नाथ टैगोर जी हाँ राविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नौ दो क्वेश्चन नंबर नाइन इंडिया ऑनर्ड अमृत सेन विथ विच मेडल इंडिया ने अमृत सेन को एक अवार्ड दिया था एक मेडल दिया था वो कौन सा मेडल है इनमें से आपके पास ऑप्शन ए पदमा भूषण ऑप्शन बी पदमा विभूषण ऑप्शन सी अशोका चक्र ऑप्शन डी भारत रत्न ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है भारत 1999 में उन्होंने दिया था उसको 1999 में तो ये यहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका बन सकता है कब दिया गया था 1999 में नाउ द क्वेश्चन नंबर टेन द एक्टिव एजेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर लोकेटेड इन ऑप्शन ए फार फ्रॉम द वेस्ट ऑप्शन बी इन वेस्ट ऑप्शन सी इन ईस्ट ओनली ऑप्शन डी नन ऑफ द इसका दाइट आंसर जो है फार फ्रॉम द वेस्ट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर अलेवन विच कंट्री डेवलपड पेपर फर्स्ट तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो जिन्होंने सबसे पहले पेपर डेवलप किया है यानी कागज तो ऑप्शन ए इंडिया ऑप्शन बी अमेरिका ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी जो इसका है वो है चाइना तो चाइना इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर तो मिस हुआ है लेकिन चाइना जो है वो इसका राइट right आंसर है सी एच सी एच आई एन ए चाइना डी पार्ट ये आप यहाँ पर खुद ही मैंशन कर सकते हो यहाँ पर तो चाइना ने सबसे पहले पेपर को डेवलप किया है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डिसिमल सिस्टम तो इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन सी डिसिमल सिस्टम का कंसेप्ट इंडिया ने दिया है तो ऑप्शन सी इसका राइट right आंसर है ना क्वेश्चन नंबर थर्टीन द टर्म अल जबरिया इज डिराइव फ्रॉम विच बुक तो आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए अल मुखशिला फिल जबरवा ऑप्शन बी अल जबरवा अल मकबिला ऑप्शन सी मुख्तारिया ऑप्शन डी ऑफ दीज तो ऑप्शन बी जो इसका राइट right आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी अल अल मुकाबिला जी हाँ मुकाबिला से नाउ द क्वेश्चन टर्म अल जबरिया टर्म को किसने दिया है ऑप्शन ए अलखवा रिजवी ऑप्शन बी इसाक न्यूटन ऑप्शन सी आर्या भट्ट ऑप्शन डी नन ऑफ नन ऑफ दिज तो इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन ए अल खवा रिजवी जी हाँ अल खिजी जो है इसका राइट right आंसर है नाउ क्वेश्चन नंबर द कंसेप्ट ऑफ साइन इन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स वॉज डिस्कसड बाय आर्या भट्टा ऑप्शन ए जो है इसका राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर द बार्गेनिंग प्रॉब्लम इज ए वर्क ऑफ ऑप्शन सी जॉन नाश जी हाँ जॉन नाश जो है इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन सी है ना क्वेश्चन नंबर सेवनटीन फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी सिक्स टू थाउजेंड नाइनटीन नाइनटी यूएन यूनाइट यू एन वायर टुगेदर रेस्पांसिबल फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड आर एक्सपोर्ट तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है एटी वन परसेंट ना क्वेश्चन नंबर एटीन कन्फ्यू कैन कन्फ्यू कैन वॉज कन्फ्यू कैन जो है एक इंडिविजुअल है ये कौन था ऑप्शन ए चाइनीज फिलासफर ऑप्शन बी इंडियन पोलिटिकन ऑप्शन सी अमरीकन जर्नलिस्ट ऑप्शन डी नन नान इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए चाइनीज फिलासफर जी हाँ फ्यू कैन वॉज चाइनीज फिलास्फर तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द वर्ड चावनिज्म द वर्ड चावनिज्म स्टैंड फॉर ऑप्शन ए अग्रेसिव पेट्रोटिज्म मेल हायरची ऑप्शन सी पैसिव सिटीजनशिप ऑप्शन डी नन तो इसका राइट right आंसर जो है एग्रेसिव पेट्रोटिज्म ऑप्शन पेट्रोटिज्म इसका राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द वर्ड इनइक्विटी मीन ऑप्शन ए लस्टर ऑप्शन बी लैक ऑफ जस्टिस ऑप्शन सी कूलनेस ऑप्शन डी नाइट आंसर जो है ऑप्शन बी लैक ऑफ जस्टिस लैक ऑफ जस्टिस इसका राइट right आंसर है नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द वर्ड मिलीनियम मीनज मिलीनियम वर्ड का मतलब क्या होता है ऑप्शन ए हंड्रेंड ई ईयर्स ऑप्शन बी टेन ईयर्स ऑप्शन सी वन थाउजेंड ई ईयर्स ऑप्शन डी टू हंड्रेंड ई ईयर्स तो इसका राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन सी वन थाउजेंट ईयर्स वन मिलीनियम इज़ इक्ल टू वन थाउजेंट ईयर्स जी हाँ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ विच ऑप्शन ए ग्लोबल हेरिटेज ऑप्शन बी वेस्ट हेरिटेज ऑप्शन सी इंडियन हेरिटेज ऑप्शन डी नन ऑफ द दैबोध इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए ग्लोबल हेरिटेज जी हाँ ग्लोबल हेरिटेज इसका राइट आंसर है डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री तक जितने भी क्वेश्चन है ये ग्लोबलाइजेशन हाउ टू जज ग्लोबलिज्म जो चैप्टर आपके सिलेबस में है अमृतयासेन ने जो लिखा है उसके उसमें निकाले गए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो यहाँ पर आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग उसमें कितने क्वेश्चन जो है निकाले गए हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा तो ये दूसरा सेक्शन है इस पेपर में जो कि मार्टिन लूथर किंग आई हैव अ ड्रीम उन्होंने स्पीच दी थी तो मार्टिन ल्यूथर किंग कौन था ये एक अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट था और बैप्टिस्ट मिनिस्टर था ही वॉज बॉर्न इन एटलांटा 15th जनवरी 1929 15th नाइन फिफ्टींथ जनवरी नाइनटीन ट्वेंटी नाइन मार्टन ल्यूथर किंग वॉज बॉर्न फिफ्टींथ जनवरी नाइनटीन ट्वेंटी नाइन एट एटलान्टा एटलांटा वो में एटलांटा में पैदा हुए हैं। जी हाँ एटलांटा तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्टिन ल्यूथर किंग के बारे में इन 1955 टू 1966, 68 ये वो दौर था जब ब्लैक्स को टारगेट किया जाता था अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहाँ पर ब्लैक्स को यू नो पब्लिक प्लेस पे बैठे नहीं दिया जाता था उनको राइट्स नहीं दिए जाते थे इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए जाते थे सिविल राइट्स नहीं दिए जाते थे फिर क्या है कि सिविल राइट्स मोमेंट आया है जिसमें मार्टिन ल्यूथर किंग का बहुत ही अच्छा रोल रहा है इन फेवर ऑफ ब्लैक्स उन्होंने कहा है कि ये जो ब्लैक्स हैं इनको भी जीने का हक है उन्होंने अपनी एक स्पीच दी थी ट्वेंटी अगस्त नाइनटीन सिक्सटी थ्री में उस स्पीच में उन्होंने कहा था इन इन स्पीच मार्टिन ल्यूथर किंग कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट एंड एंड टू रेसिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स उस उस स्पीच को उन्होंने कहा था आई हैव ए ड्रीम यह स्पीच उन्होंने ट्वेंटी अगस्त नाइनटीन सिक्सटी थ्री में दिया है कब ट्वेंटी अगस्त नाइनटीन सिक्सटी थ्री तो यह यहां पर आप याद रखिएगा तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो पहला क्वेश्चन जो यहां पर है मार्टिन लूथर किंग इमर्जेड एज एन एटकुलेट वॉइस ऑफ विच मोमेंट किस मोमेंट के साथ

यू नो मार्टिन लूथर किंग पैदा हुए थे क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन मार्टिन लूथर किंग लिथर हिज आइडियल ऑप्शन ए क्रिश्चियनिटी ऑप्शन बी बुद्धिज्म ऑप्शन सी जैनिज्म ऑप्शन डी इस्लाम तो इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन ए क्रिश्चियनिटी जी हाँ ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर क्रिश्चियनिटी क्वेश्चन नंबर फोर आई हैव अ ड्रीम इज ऑर्डिनेरी स्पीच ऑप्शन ए ऑप्शन बी फॉर्गेटेबल स्पीच ऑप्शन सी अनफॉर्गेटेबल स्पीच ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन सी अनफॉर्गेटेबल स्पीच क्योंकि ये वो स्पीच है जो बार बार याद आ, किया जाता है और तवारीख में इसको लिखा गया है तो ये क्या है अनफॉर्गेटेबल स्पीच है नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव मार्टिन ल्यूथर किंग्स फादर वाज ऑप्शन ए पेस्टर ऑप्शन बी किंग ऑप्शन सी टीचर ऑप्शन डी लायर इसका राइट right आंसर जो है वो है ऑप्शन ए पेस्टर क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड विथ मार्टिन ल्यूथर किंग यूनिस्को ऑप्शन ए ऑप्शन बी मोंट गोमरी बस ड्राइव तो इसका राइट आंसर मोंट गोमरी बस ड्राइव बी है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स मार्टिन ल्यूथर वाज एसेसिनेटेड बाय ऑप्शन ए फ्रेडिनेंट बुटलर ऑप्शन बी जेम्स अर्ल रे ऑप्शन सी विलियम बेन ऑप्शन डी रोजा पार्क तो इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन बी जेम्स अर्ल रे जी हाँ मार्टन ल्यूथर किंग वॉज एसेसिनेटेड बाय जेम्स अर्ल रे ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर है नाउ द क्वेश्चन नंबर सेवन मार्टन ल्यूथर एडॉप्टड द नेम ऑफ विच प्रोटेस्टेंट लीडर तो ऑप्शन ए जो यहां पर है मार्टन ल्यूथर तो ये इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए नाउ द क्वेश्चन नंबर एट आई हैव अ ड्रीम स्पीच वाज डिलीवर्ड एट ऑप्शन ए वाशिंगटन ऑप्शन बी न्यूयॉर्क ऑप्शन बी मिसिपी तो ये यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट यू नो कंप्रेस है थोड़ा इमेज तो आप खुद ये थोड़ा प्रोनाउंस uh, कर सकते हो यहाँ पर ऑप्शन डी नन तो इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन ए वाशिंगटन जी हाँ ऑप्शन ए इसका वाशिंगटन जो है राइट आंसर आई हैव अ ड्रीम स्पीच को वाशिंगटन में डिलीवर किया गया था नाउ द क्वेश्चन नंबर नाइन मार्टिन ल्यूथर किंग एल्यूड्स विच एड्रेस ऑफ एब्राहिम लिन ऑप्शन ए वाशिंगटन एड्रेस ऑप्शन बी गेट्सबर्ग एड्रेस ऑप्शन सी रोज पार्क एड्रेस ऑप्शन डी नन तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी गेट्सबर्ग एड्रेस जी हाँ ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन विच अमेरिकन प्रेजिडेंट इज लिंकड विथ इमेन्सिपेशन प्रोक्लेमेशन ऑप्शन ए जॉर्ज बुश ऑप्शन बी बराक ओबामा ऑप्शन सी एब्राहम लिकोलन ऑप्शन डी नन तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी ब्राक सॉरी ऑप्शन सी जी हाँ एब्राहम लिकोलन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है नाव दो क्वेश्चन नंबर अलेवन द वर्ड स्कोर इन द स्पीच आई अ ड्रीम मीनज ग्रुप आर सेट ऑफ ट्वेंटी डार्क एज ऑप्शन सी अलाइटमेंट पीरियड ऑप्शन डी हंड्रेड ईयर्स पीरियड इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन ए जी हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये याद रखिएगा आप द वर्ड स्कोर इन द स्पीच इन द स्पीच आई हैवे ड्रीम मीनज ग्रुप आर सेट अप ट्वेंटी ऑप्शन ए इसका राइट right आंसर है नाओ दो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मेनकलस एम ए एन एस सी एल ए एस मैनेकलस मीनज लिम्ब ऑप्शन ए ऑप्शन बी शूटिंग ऑप्शन डी ऑप्शन सी हैंडकफ्स ऑप्शन डी नन तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हैंडकफ्स ना दो क्वेश्चन नंबर थर्टीन गेटो मीनज ऑप्शन ए सिटी लाइफ ऑप्शन बी सलम एरियाज ऑक्यूपाइड बाई माइनॉर्टीज ऑप्शन सी रूरल लाइफ ऑप्शन डी नन तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी सलम एरियाज सलम एरिया ऑक्युपाइड बाई माइनॉरिटीज़ नाउ द क्वेश्चन नंबर फोटीन मार्टन ल्यूथर किंग कॉल्स लाइफ लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एज ऑप्शन ए नेचुरल राइट्स ऑप्शन बी अनएलिनेबल राइट्स ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन डी नन तो इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन बी अनएलिनेबल राइट्स तो दोस्तों डियर स्टूडेंट्स ये आप यहाँ पर याद रखिएगा कौन कौन से राइट्स मार्टन ल्यूथर किंग ने किन राइट्स की बात की है लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बनता है डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है सेकंड सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है मार्ट एन ल्यूथर किंग आई हैव अ ड्रीम तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जो यहाँ पर मार्ट एन ल्यूथर हिज स्पीच विथ ऑप्शन ए आई हैव अ ड्रीम ऑप्शन बी आई एम टू आई एम हैप्पी टू जोइन ऑप्शन सी आई एम सैड टू से ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे आई हैव अ ड्रीम लेकिन ये नहीं है इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन बी आई एम हैप्पी टू ज्वाइन वो थोड़ी ना पहले ही कहता आई हैव ए ड्रीम पहले वो कुछ कहता ना तो इसलिए उन्होंने पहले कहा आई एम हैप्पी टू ज्वाइन ये यहां पर आपको याद रखेगा अब तीसरा सेक्शन जो यहां पर है वो है यूनिट नंबर वन यूनिट नंबर वन का जो ऐसे पोर्शन है उसमें कुछ क्वेश्चन है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फ्रॉम ऐसे पोर्शन क्वेश्चन नंबर वन एस इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड ऐसे जो है ये किस वर्ड से डिराइव किया गया है ऑप्शन ए ग्रीक ऑप्शन बी लेटिन ऑप्शन सी फ्रेंच ऑप्शन डी संस्कृत तो एस जो है एस इज़ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जी हाँ फ्रेंच वर्ड जो यहाँ पर है इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी नाव क्वेश्चन नंबर टू द वर्ड एस इज़ बिलीव टू हैव बीन फ्रॉम द वर्ड एस इज बिलीव टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम ऑप्शन ए एस से ऑप्शन चारों जो है एक ही प्रोनाउंस हो सकता है तो इसका राइट आंसर जो यहां पर है, वो है ऑप्शन e, तो है लॉन्ग नरेशन ऑप्शन बी वर्बल स्केच ऑप्शन सी ओट्स ऑप्शन डी नन इसका राइट आंसर, तो आंसर जो है ऑप्शन बी वर्बल स्केच एस ए मीन वर्बल स्केच ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर फोर्ट फोर, फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एसे कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कैरेक्टरिस्टिक कौन है ऐसे का ऑब्जेक्टिव ये भी कैरेक्टरिस्टिक है ऐसे का कोहेरेंस ये भी कैरेक्टरिस्टिक है टाइटल भी एक कैरेक्टरिस्टिक है तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट right आंसर बनेगा ऑल ऑफ द एबो तो ये यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव वाई राइटिंग एन एसे वी शुड ऑप्शन ए यूज एबेंडेंट जॉर्गानस ऑप्शन बी नॉट यूज टू मैनी जॉर्गॉन्स एनालॉगीस एट्सेट्रा ऑप्शन सी यूज एक्सेसिव फिगरेटिव लैंगवेज यूज़ बोम्बेस्टिक वर्ड्स ऑप्शन डी तो इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये इसका राइट right आंसर है नॉट यूज़ टू टू मैनी जॉर्गॉन्स एनालॉगीस एट्सेट्रा डियर स्टूडेंट्स अब कुछ क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन फ्रॉम एडवर्टीजमेंट ये पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम एस पोर्शन तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो अब जो क्वेश्चन है वो है एडवर्टीजमेंट पोर्शन से तो एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नाउ द क्वेश्चन नंबर वन द रिटर्न ड्राफ्ट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट इज कॉल्ड ऑप्शन ए सीगमेंट्स ऑप्शन बी जीरोक्स ऑप्शन सी कॉपी ऑप्शन डी नन ऑफ द इसका दाइट right आंसर जो है ऑप्शन सी कॉपी नौ तो क्वेश्चन नंबर टू एडवर्टीजमेंट इज़ विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एडवर्टीजमेंट कौन सी कम्युनिकेशन है ऑप्शन ए पैड फॉर्म ऑप्शन बी अनपैड फॉर्म ऑप्शन सी बोथ एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ राइट आंसर जो है ऑप्शन ए पैड फॉर्म जी हाँ एडवर्टीजमेंट इज़ ए पैड फार्म ऑफ कम्युनिकेशन नौ तो क्वेश्चन नंबर थ्री विच एमंग फॉलोइंग आर टू मैन काइंडस ऑफ एडवर्टीजमेंट इनमें से अहम दो हिस्से जो हैं जो एडवर्टीजमेंट के हैं वो कौन हैं विच एमंग फॉलोइंगर टू मैन काइंडीजमेंट ऑप्शन ए इंफॉर्मेटिव एंडसिव ऑप्शन बी एजुकेटिड इम्प्रेसिव ऑप्शन सी एलस्ट्रेटिव एंड अटेंटि डी नन तो इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन एन इंफॉर्मेटिव एंड इसका एंड right क्वेश्चन नंबर फोर मोस्ट पीपल इन बिजनेसिस आर ऑप्शन ए बिलेंगल ऑप्शन बी मल्टीलेंगल ऑप्शन सी ट्रिलेंगल ऑप्शन डी नन तो इसका राइट आंसर जो है बिलेंगल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फाइव विच लैंग्वेज मेक्स वेरी इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ स्टडी ऑप्शन ए लैंग्वेज ऑफ ई मेल ऑप्शन बी लैंग्वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑप्शन सी लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ रिसोर्स पर्सन ऑप्शन डी नन ऑफ द बोथ इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी लैंग्वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट जी हाँ इसका राइट आंसर लैंग्वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑप्शन बी है नाव तो क्वेश्चन नंबर सिक्स इस द एडवर्टीजमेंट क्रिएट्स ए डैश डैश फॉर बेटर लिविंग इसका राइट आंसर जो है बेटर डिजायर फॉर बेटर लिविंग ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा बेटर डिजायर्स फॉर बेटर लिविंग नाओ क्वेश्चन नंबर सेवन विच एडवर्टीजमेंट इज टैक्स टेक्सट बेसड तो इनमें से जो एडवर्टीजमेंट के बहुत सारे टाइप्स है उनमें से टैक्स बेसड कौन है ऑप्शन ए डिस्प्लेड एडवर्टीजमेंट ऑप्शन बी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ऑप्शन डी इमेज एडवर्टीजमेंट ऑप्शन डी नन ऑफ दर्थ इसका राइट right आंसर जो है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ऑप्शन बी द वर्ड इज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट शुड बी अराउंड द वर्ड्स इन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट शुड बी अराउंड दे शुड बी अराउंड 50 वर्ड्स तो ऑप्शन बी सी जो यहां पर है ये इसका राइट right आंसर है इन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट वी यूज ऑप्शन ए स्केच ऑप्शन बी डिज़ाइन ऑप्शन सी ड्राइविंग्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ द तो इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो है नाउ क्वेश्चन फ्राम ई मेल पोर्शन ये लास्ट है यहाँ पर क्वेश्चन फ्रॉम ई मेल पोर्शन ई मेल पोर्शन से कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये यह हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर वन स्नैन स्नेल मेल इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए ई मेल ऑप्शन बी लेटर ऑप्शन सी एडवर्टीजमेंट ऑप्शन डी नन ऑफ दोथ इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन बी स्नेल मेल जो है इट इज एसोसिएटेड विथ लेटर ऑप्शन बी जो है इसका राइट right आंसर है ना हो क्वेश्चन नंबर टू एंड ई मेल शुड बी एग्रेसिव एंड र्यूड ऑप्शन ए ऑप्शन बी ब्रीफ एंड प्रिस ऑप्शन सी बोथ एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ दाइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बोथ ऑप्शन बी ब्रीफ एंड प्रिस ना द्वेश्चन नंबर थ्री विच सिंबल सेपरेटस यूजर नेम फ्रॉम डोमेन नेम ई में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जब हम लिखते हैं या हो ऐट द रेट जो है ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा आपको तो ये इसका राइट right आंसर बनेगा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर ई मेल मीनस ऑप्शन ए एसेंशियल मेल ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑप्शन बी ऑप्शन सी इमरजेंसी मेल ऑप्शन डी एजुकेटिव मेल तो इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेंडिंग मैसेज बाई ई मेल इज प्रॉब्लमेस्टिक ऑप्शन ए ऑप्शन सी कॉस्टली ऑप्शन ऑप्शन बी कॉस्टली ऑप्शन सी नॉट ट्रस्ट वर्थी ऑप्शन डी चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव तो इसका राइट right आंसर जो है चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव जी हाँ सेंडिंग मैसेज बाई ई मेल इज चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि लास्ट क्वेश्चन है विच कम्युनिकेशन सेव्स अस फ्रॉम टाइम जोन इनकोनस तो इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन ए ई मेल इसका राइट right आंसर है आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में